लेने के बाद स्पिनर का जादू रुमाल को स्टिक में तब्दील कर दिया। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर बॉलर तब्रेज़ शम्सी का विकेट के बाद जश्न मनाने का मुनफरिद अंदाज मशहूर और मकबूल हो गया। जनूबी अफ्रीका में जारी T20 लीग में जहां दिलचस्प मैचेस हो रहे हैं, वहां खिलाड़ियों के फातेहाना अंदाज भी मशहूर हो रहे हैं। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा महविश हयात साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में बोल पड़ी। अदाकारा महविश हयात ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अस्पताल की एक वीडियो भी शेयर की। दुआ मंगी और बितमा के केसेस में मुमासलत पाई जाती है। मुल्जमान जदीद टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और राब्तों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तफ्तीशी हुक्काम। साबका मिस वर्ल्ड पाकिस्तान जैनब नवीद हैदर अमेरिका में होने वाले एक कार हादसे में जान बहक। जैनब नवीद ने 2012 में मिस वर्ल्ड पाकिस्तान का मुकाबला जीता था और इन दिनों वो न्यूयॉर्क में रिहाइश पजीर थी। वॉशिंगटन अमेरिका में एक कंपनी ने जिस्मानी दर्द दूर करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी पर मबनी एक पट्टी तैयार की है जो जिस्मानी दर्द की शिदत को बरकी निजाम के तहत कम करती है। कराची में सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गुलस्ताने जौहर, सदर, शारे फैसल, महमूदाबाद और अख्तर कॉलोनी में बूंदाबांदी हुई है जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दे दिया। मशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 3 माह में दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी वाली स्टॉक मार्केट करार दे दिया है जो हमारी मुईशियत मुस्तहकम होने की निशानी है। नई दिल्ली भारत में जमीन में दफन किए गए मट्टी के बर्तन में से जिंदा मिलने वाली नौमालूद बच्ची के डॉक्टर ने कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गई है। लाहौर और वाघा स्टेशन के दरमियान शटल ट्रेन सर्विस 33 साल बाद 14 दिसंबर से दोबारा बहाल हो जाएगी। मलका मौसीकी का खिताब पाने वाली रोशन आरा बेगम को हमसे बिछड़े 37 वर्ष बीत गए। नामवर गुलकारा ने अपने दौर के कई अहम मौसीकारों की तरतीब दी हुई धुनों को अपनी आवाज से सजाया। एशियाई तरक्की बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्की बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से दी गई। पाकिस्तान को खुसूसी पॉलिसी की बुनियाद पर कर्ज की रकम फौरी तौर पे अदा की जाएगी।